हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने सेंट अग्रसेन हाई स्कूल कलवा में बतौर शिक्षक काम करना शुरू किया था, और साथ ही साथ मैंने यह भी बताया था कि स्कूल का मेरा शुरुआती दौर कैसा था। दोस्तों, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड को पढ़ाना भी बंद कर दिया था, अब मैं सिर्फ थर्ड स्टैंडर्ड को ही पढ़ा रहा था। अब मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी और अब मैं खुश भी था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, जब मुझे खुशी मिलती है उसके बाद दुख जरूर मिलता है। कम शब्दों में कहे तो सुख मेरे दुख के आने का संकेत देता था, अब भी शायद वही होना था। वक्त से आगे चल रहा था मैं, वक्त से आगे चल रहा था मैं, खुद को कितना बदल रहा था मैं। वक्त से आगे चल रहा था मैं, खुद को कितना बदल रहा था मैं। फिर एक हादसा जरूरी था, फिर एक हादसा जरूरी था, हद से आगे निकल रहा था मैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक नया हादसा हो गया था और जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मेरे बाजू में सोने वाले एक आदमी का मोबाइल चोरी हो गया। उस समय सबके पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, मगर इनको कंपनी की तरफ से एक मोबाइल दिया गया था और वह महंगा था। उस आदमी से मेरी दोस्ती हो गई थी, दोनों की बैग आजू बाजू में थी और दोनों आजू बाजू में ही सोते थे, इसीलिए सभी का शक मेरे ऊपर ही था। उस आदमी ने सबसे पूछताछ की, सबकी बैग चेक की, लेकिन उसका मोबाइल नहीं मिला, इसीलिए अब उसने पुलिस कंप्लेन कर दी। उसकी पहचान वहां के कुछ अच्छे लोगों से भी थी। दूसरे दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तब उस आदमी ने सबको बताया कि कोई भी कल काम पर नहीं जाएगा, क्योंकि कल पुलिस पूछताछ करने आने वाली है। पुलिस का नाम सुनते ही मैं घबरा गया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पुलिस पूछताछ के समय बहुत मारती है। और दूसरी बात यह भी थी दोस्तों कि कुछ लोगों ने मेरे ऊपर भी शक किया था, क्योंकि मेरी उससे दोस्ती थी, इसलिए अब मैं और डर गया था। मैं उस दिन स्कूल नहीं गया, क्योंकि अगर गया तो उनका शक और बढ़ जाएगा। अब सभी लोग काम पर न जाकर पुलिस का इंतजार करने लगे। मैं बहुत डरा हुआ था और पुलिस के नाम से तो मेरे पसीने छूट गए थे। हालांकि उस आदमी का शक मेरे ऊपर नहीं था, उसका शक एक दूसरे आदमी पर था जो लगभग 10 बजे काम के लिए निकलता था। उससे पूछने पर उसने भी इस बात को नकार दिया। दूसरे दिन पुलिस आई और पूछताछ करने लगी। सभी लोगों को वे अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। जब मेरी बारी आई तब उन्होंने सवाल किया कि नाम क्या है, क्या काम करते हो और काम का समय क्या है। मैंने सब कुछ सही सही बताया। जब उन्होंने पूछा कि चोरी के समय तुम कहाँ थे, तब मैंने कहा कि मैं तब स्कूल चला गया था, और यह भी बताया कि मैं रोज 5:45 बजे ही स्कूल चला जाता हूँ। तब मोबाइल वाले ने भी कहा कि इनके जाने के बाद मैंने 8:30 बजे उठकर मोबाइल में टाइम चेक किया था। पुलिस ने पूछा कि तुम्हें किस पर शक है, तब उसने उस आदमी की ओर इशारा कर दिया जिस पे उसे शक था। उससे पूछताछ करने पर पुलिस को भी उस पर शक हुआ। पुलिस उसे लेकर उस दुकान पर गई जहां वह काम करता था। वहां पूछताछ करने पर उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्त ने बताया कि एक दिन पहले वह मोबाइल लेकर आया था और बता रहा था कि मुझे यह मोबाइल मिला है। जब उसे पूछा गया कि मोबाइल कहाँ है, तब उसने उसी दुकान से मोबाइल निकाल कर दिया। उसने उस मोबाइल को चावल की गोनियों के बीच स्विच ऑफ करके छुपा कर रखा था। मोबाइल मिलते ही तुरंत पुलिस ने 2-3 डंडे उस पर जड़ दिए। मेरे साथ बाकी लोग भी डर गए थे।
लेकिन अब चोर पकड़े जाने के कारण हमारा डर दूर हो चुका था और अब हमने राहत महसूस की थी। पुलिस चोर को पुलिस स्टेशन लेकर गई और दो दिन बाद उसे फिर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद उसे लॉज से भी निकाल दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस समस्या से बाहर निकले थे। यह हादसा होने के बाद मुझे भी डर लगने लगा था, क्योंकि अब मैंने भी एक पुराना मोबाइल खरीद लिया था। रात को मोबाइल और पर्स जेब में लेकर सोने लगा था, मगर फिर भी नींद नहीं आती थी। नींद आती भी तो झट से खुल जाती थी। अब चोरी का भय मन में बैठ गया था और हमेशा वही ध्यान रहता था। अब मुझे लगने लगा था कि यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। हमेशा मन में एक तनाव सा महसूस होता था, इसीलिए मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया। पिछले 4-5 सालों से मैं भटक ही रहा हूँ, यहाँ वहाँ अपना आशियाना ढूंढ रहा हूँ, मगर कोई अच्छा ठिकाना नहीं मिल रहा है। कब तक दूसरों के सहारे रहूंगा और कब तक उनसे मदद की भीख मांगता रहूंगा? इसीलिए अब मैंने सोचा कि कलवा में ही कहीं स्कूल के पास भाड़े से रूम लेकर रहूं। कम से कम वहां मैं अपने हिसाब से तो रहूंगा, किसी का दबाव न किसी का डर रहेगा। इसीलिए अब मैंने भाड़े से रहने का फैसला किया। मैंने स्कूल के बच्चों को बोलकर रखा था कि अगर कहीं भाड़े से रूम मिलेगा तो बताना। 2-4 दिन बाद एक छात्र ने बताया कि मेरे रूम के पास एक रूम खाली है जिसे भाड़े से देना है। मैं उसी दिन स्कूल छूटने के बाद वहां गया और रूम देखा। स्लम एरिया होने की वजह से रूम पतरे का था, आजू बाजू भी पतरा ही लगा था। पानी बाजू के कुएं से निकाल कर लाना था। घर के अंदर टॉयलेट नहीं था, सार्वजनिक बाथरूम था, सब लोग उसी में जाते थे, उसके लिए भी लाइन लगाना पड़ता था। रूम में सुविधाएं अच्छी नहीं थी, मगर लॉज की अपेक्षा बेहतर था। मैंने रूम मालिक से बात की और 700 रुपए महीने के हिसाब से भाड़ा तय हुआ। 2-4 दिन बाद मैं वहां आकर रहने लगा। वहां से आते समय मैं सिर्फ एक बैग में मेरे पहनने के कपड़े और 2 चादर लेकर आया था। खाना बनाने के लिए बर्तन तक नहीं थे, सब कुछ खरीदना था। शुरू के 2 दिन मैंने वही खाना खाया जहां मैं दोपहर का खाना खाता था। बर्तनों के बारे में मैंने माँ से बात की, तब माँ ने एक दिन मुझे एक ग्लास, एक लोटा, घड़ा, थाली, सब्जी और चावल बनाने के लिए 2 टोप खरीद कर दी। साथ ही किसी पहचान वाले से कम कीमत में एक स्टोव भी खरीद कर दी। अब मैं रूम पर रात का खाना खुद ही बनाकर खाने लगा। सुबह जल्दी जाने की वजह से दोपहर का खाना वहीं खाता था जहां पहले खाता था। अब सब कुछ नया था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी नई गृहस्थी बसा ली है। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ यह बताने के लिए मैं फिर मिलूंगा आपको मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।